हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रूट मैप एक्सप्लोरर। अभी हम लोग नागपुर में हैं और आज फिर नया दिन और नई जर्नी के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। कल रात हम नागपुर पहुंचे थे, हमें नागपुर पहुंचने में काफ़ी लेट हो गई थी, रात के 10 बजे गए थे चूँकि, और हम लोग डिसाइड किया था कि हम अपने एक रिलेटिव उनके पास ही रुकेंगे। अब हम रेडी हैं अपने नेक्स्ट जर्नी के लिए। मॉर्निंग के क्लोज 10 o'clock हो रहे हैं। ये मेरा बीस्ट हल्क ट्रक गुरका, जिसे हम पूरा 6,000 की जर्नी कवर कर रहे हैं, टू एंड फ्रो फ्रॉम पुणे टू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर टू पुणे। हम नागपुर के बाईपास में थे तो बाईपास से मेन हाईवे तक का रास्ता क्लोज 3 किलोमीटर का है, जो कि अभी आने ही वाले हैं, हम हाईवे को टच करेंगे आपको। फाइनली वी आर ऑन हाईवे। ये जर्नी देखते हैं आगे कैसा रहेगा। ऐसे तो मेजर जो टाउन जो सिटी हमें मिलेगा वो है एक मध्य प्रदेश के जबलपुर रीवा। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो भी फर्स्ट टाउन क्लोज टू 6 PM तक आएगा, इवनिंग मतलब रात होने से पहले वहाँ पे आज का हॉल्ट करेंगे। बोर्ड आया, बोर्ड तो शो कर रहा है कि जबलपुर 152 किलोमीटर है एंड रीवा यहाँ से 340 किलोमीटर है। रोड तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 4 लेन्स है। लेट्स सी हाउ इज़ द रोड अहेड, देखते हैं आगे कैसा रोड एंड रूट होगा। नागपुर से निकलने के बाद एक बात है कि टोल पे जब से फास्ट ट्रैक का अवेलेबल हो गया है, अभी टोल पे वो क्यू लॉन्ग क्यू एंड कैश का चिक चिक खत्म हो गया। इट इज़ वेरी इजी टू पास थ्रू द टोल नाउ, इट इज़ बस आपको मेंटेन करना है। नो डाउट, अभी तक जो भी हमने रोड कवर किया है जब से पुणे से चले हैं, सभी रोड ऑलमोस्ट 4 लेन थे और काफ़ी नीचे निकले इन स्पेसियस रोड मिले हैं, जो कि जर्नी को काफ़ी कंफर्टेबल बना देते हैं। अगर रोड आपका अच्छा है तो आप थकेंगे नहीं एंड अच्छे से आप फ्रेश जर्नी में फील करोगे। सो रियली गुड टू सी कि रोड इतने अच्छे हैं हमारे, अभी तक तो बहुत अच्छे, आगे नहीं पता, आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो रूट लिया है वो नागपुर बाईपास का, ये रूट आपको नागपुर टू रीवा के थ्रू, नागपुर से चल के सियोनी चिनवारा कटनी देन जबलपुर रीवा, ये रूट है, जो कि रोड तो काफ़ी अच्छे, बहुत मेंटेन रोड है। और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस टाइप के रोड्स होंगे। इस रूट पे अभी तक मैंने ये ऑब्जर्व किया है, क्लोज टू 100+ किलोमीटर अभी तक ड्राइव किया मैंने जब से नागपुर से स्टार्ट हुआ, टोल बहुत कम है। अभी तक एक ही टोल आया था जब नागपुर के हाईवे पे हम लोग आए थे, उसके बाद एक भी टोल अभी तक नहीं आया, देखते हैं आगे का कैसा है। पर जनरली अगर आप देखो तो इतनी टोल आते हैं बाकी सब रूट्स में, इस रूट में अभी तक टोल नहीं है, जबकि रोड्स इतने अच्छे हैं,
4 lanes रोड्स है, काफ़ी सेफ रोड्स है अभी तक तो, आगे का पता नहीं, पर अभी तक जो भी हमने डिस्टेंस कवर किया है रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। और मतलब ड्राइव करने में कोई भी थकावट नहीं आ रही है हमें एज सच, बिकॉज रोड के कंडीशन बहुत अच्छे हैं। ये जो रूट स्टार्ट हुआ ये आप नागपुर से जब थोड़ा आगे जाओगे तो पेज नेशनल पार्क है वाइल्ड एनिमल्स का, ये काफ़ी बड़ा है और बहुत फेमस है, यहाँ पे लोग एनिमल सफारी जो होते हैं उसके लिए आते हैं। और आप देख सकते हो कितना लंबा दोनों साइड कवर्ड है। वाइल्ड एनिमल्स एरियाज है इसलिए आप देख रहे हो कि लेफ्ट एंड राइट में ब्लू जो रोड्स हैं ना वो कवर्ड्स है हाईवे से, सो दैट कि जो एनिमल्स उस साइड से हैं इस साइड रोड पे ना आए। मैंने भी अभी बहुत सारे मंकीज़ देखे हैं, मंकीज़ के बच्चे देखे छोटे छोटे जो हाईवे के इसके ऊपर जो साइड में आपको वॉल्स दिख रहे हैं ना ग्रीन वॉल्स टेम्पोरी उसके ऊपर बैठे हुए थे। हो सकता है कि ये यहाँ के जो हाईवे अथॉरिटीज़ है उन्होंने इन ऑर्डर टू सेव एनिमल्स ये बाउंड्रीज फिट किए होंगे और उस पर उन्होंने बोर्ड भी बजाबते लगाए कि ड्राइव स्लोली एनिमल्स आर अहेड लाइक दैट एज सच, सो विच इज़ क्वाइट गुड। अभी तक ये काफ़ी लंबा है, देखते हैं कितना लंबा ऐसा जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है ये एरिया, ये क्लोज टू 40-50 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने लास्ट बहुत देर से ड्राइव कर रहा हूँ इस रोड्स पे, देखते हैं आगे कैसा हो। बट इट इज़ अ गुड वे टू यू नो सेव जानवर, जो भी जानवर हैं जो आ जाते थे होंगे पहले उनको सेव करने उन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया। काफ़ी माउंटेन्स रोड है तो स्टीप, कभी कभी स्टीप कट्स भी आ रहे हैं रोड पे, और या बेसिकली ये माउंटेन कट ही रोड है सो डर के स्टीप कट्स बार बार आ रहे थे। आगे बोर्ड आ रहे हैं आई थिंक या जबलपुर जी टी 8 किलोमीटर एंड रिवाइज 340, हमने काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर किया है बिकॉज ये रोड भी काफ़ी अच्छे है तो कहीं भी स्पीड में जो एवरेज स्पीड मैंने 80-100 रखा वो मेंटेन है। डीजल ले ही लेता हूँ, आगे पेट्रोल पंप दिख रहा है हम लोग टॉप अप कर लेते हैं। मैंने एक प्रैक्टिस बनाई कि टैंक फुल होना चाहिए सो डर की कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, क्योंकि मैं कोई कैन लेके ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, तो टैंक फुल कर लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं। इस हाईवे की ये है कि आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप मिल जाएंगे तो बेसिकली कैन लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी अगर आप मैप जो लगाते हो गूगल का उसमें अगर आप ऐड कर लो पेट्रोल पंप को पॉपअप करने पेट्रोल पंप का नोटिफिकेशन का, तो वो आपको पेट्रोल पंप जितने भी आएंगे रास्ते में वो आपको नोटिफाई दे चला जाएगा, जो कि बहुत अच्छे फीचर्स है। जैसे होटल चाहिए तो आप होटल भी ऐड कर सकते हो और अकॉर्डिंगली वो आपको होटल का भी रास्ते में नोटिफिकेशन देते जाएगा। हम लोगों ने भी बहुत दिन से ब्रेक नहीं लिया है, आई थिंक एक ब्रेक लेने का टाइम आ गया। कंटिन्यूस 2.5 किलोमीटर से कंटिन्यूस रन कर रहे हैं, एक ब्रेक ले लेंगे सो दैट कि थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा सभी लोग, सभी बैठे हुए अंदर। हम लोग जबलपुर जस्ट अभी क्रॉस किए हैं और हम लोग ने डिसाइड किया कि जबलपुर में हम नहीं रुकेंगे और आगे जो नेक्स्ट अच्छा डेस्टिनेशन होगा वहाँ रुकेंगे, शायद रीवा में रुके।
जबलपुर तो हम लोग क्रॉस कर गए थे बहुत पहले, पर जबलपुर में नहीं रुकने का डिसीजन एक तरह से बहुत गलत था। हम लोग पूरी फैमिली एक बहुत बैड रास्ता से निकले हैं, आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। जबलपुर के आगे, कटनी के आगे आप जब बढ़ोगे तो और रीवा के बीच में एक कुछ 20 किलोमीटर का पैच इतने ख़राब है, जहाँ कि आपको रोड राउट हुआ है पर गूगल एक किसी रेस्ट एरिया से लेके जा रहा था। हमने आगे वो रेस्ट एरिया रात हो गई थी इसलिए नहीं लिया ऑन ए सेफर साइड, पर जो रूट ख़राब था उस तो बड़े ऑलमोस्ट 3 ही कार थी पूरे रूट पे और वन वे थे ट्रैफिक, बहुत ही डेंजर रोड था। और हम लोग किसी तरह करके अभी नॉर्मल रोड हाईवे अभी हम लोग को मिला, हम लोग ट्राई करें जो फर्स्ट स्टॉप होगा कोई शायद रीवा आने वाला वहां रुक जाएंगे। टोटल टोल का नागपुर टू रीवा 900 रुपया क्लोज लगा है। हम लोग ने कोई ब्रेक नहीं लिया था डिनर के लिए, हम लोग रीवा में एक हाईवे पे काफ़ी अच्छा पंजाबी होटल देखा तो डिनर के लिए रुक गए हैं। और पता किया तो यहाँ पे रुकने का व्यवस्था रूम्स अवेलेबल है, होटल का नाम है चंद्रलोक का, आके आपको बताता हूँ कैसा होटल है। थैंक गॉड होटल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, हमने भी अभी दाल मखनी रोटी और पनीर की सब्जी मांगे, देखते हैं कैसा है। इससे बहुत हैपनिंग है, पंजाबी गाना बज रही है, लोग भी अच्छे हैं, होटल भी एकदम हाईवे पर रीवा से नज़दीक है, देखते हैं टेस्ट कैसा रहेंगे खाने का। खाना हमारे कंप्लीट हो गया, काफ़ी टेस्टी खाना था, स्पेशली इसकी दाल मखनी, और ऐसे तो सभी खाने काफ़ी अच्छे और काफ़ी हैपनिंग होटल है। रूम भी हमने देखा है तो रूम भी काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी मेंटेन रूम है, पर अभी बुक नहीं किया था, आप आगे तो जाना नहीं है। हम लोग अभी हमने आपको बताया कि कैसा डेंजर रूट से आए हैं, तो आज के लिए हॉल्ट हम इसी होटल में करेंगे। और इन्होंने अच्छा प्राइस भी दिया है, दो रूम हमने लिया, एक टू रूम सेट्स, एक वन रूम सिंगल रूम सेट्स, पर इन्होंने प्राइस काफ़ी अच्छा लगाया, क्लोज टू 5,500 में दो रूम है। जब ऊपर जाते हैं तो आपको रूम का एक वक्त तो देंगे, देखते हैं कैसा रूम है अभी। आप लोग भी अगर कोई फैमिली या बैच सिंगल अगर इधर से ट्रिप कर रहे हो, नाइट हो गया था अभी, इस होटल में रुक सकते हो, होटल काफ़ी हैपनिंग है, नीट एंड क्लीन है और अफोर्डेबल है, बहुत हाई कॉस्ट नहीं है, खाना भी काफ़ी टेस्टी है। तो अगर आप इधर से जा रहे हो तो आप इसको एक हॉल्ट पॉइंट बना सकते हो। हम लोग रूम में आ चुके हैं, एक आपको क्विक वॉक थ्रू देता हूँ रूम का, देखिए ये रूम का एंट्रेंस है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा रूम है, स्पेशियस रूम है, नीट एंड क्लीन है, हाइजीन है एकदम। जो कॉस्ट कुछ 2,600 2,500 डबल रूम का लगा, वो चीज़ वेरी गुड, आई मीन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, जितना अच्छा रूम इन्होंने मेंटेन किया बहुत अच्छा है। अब हम लोग भी अब रात हो गई है, सोएंगे और कल के लिए नेक्स्ट जर्नी के लिए रेडी होंगे। आज के वीडियो के लिए यहीं तक, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। अगर आप नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कैसे वीडियोस को और मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या आपको पसंद है या क्या आपका सजेशंस है, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, आप लोग अपना ख्याल रखना, अब नए वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू।